हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सबके साथ। आज का वीडियो परफॉर्मेंस अप्रेजल के एरर्स पर बेस्ड है, यानी कि इस वीडियो में उन सभी कारणों को बताया जाएगा जिनकी वजह से एक अप्रेजर यानी कि एक रेटर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्टिवली इवेल्युएट नहीं कर पाता है, इफ़ेक्टिवली रेट नहीं कर पाता। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि इसी की तरह अन्य वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी अप्रेजर या रेटर के द्वारा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाता है, जो कि टिपिकली एक 1 ईयर के अंतराल पर होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है, जिससे कि उनकी सैलरी हाइक से रिलेटेड, उनके प्रमोशन से रिलेटेड, उनकी ट्रेनिंग की नीड्स हैं, उन सब से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा सकें। जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो एरर फ्री होगा। जो भी पर्सन, जो भी अप्रेजर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन ठीक होगा, एक्यूरेट होगा, वो अनबायस्डली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, ऑब्जेक्टिव जजमेंट करेगा। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते वक्त कई तरीके के रेटिंग एरर्स एग्जिस्ट हो जाते हैं। वो रेटिंग एरर्स क्या होते हैं और किन वजहों से होते हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है जो अप्रेजर है यानी कि जो रेटर है उसकी पर्सनैलिटी बायसेस की वजह से अकर होने वाले रेटिंग एरर्स। जो दूसरा टाइप है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस एंड जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, उनकी वजह से एग्जिस्ट होने वाले, उनकी वजह से क्रिएट होने वाले एरर। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनालिटी बायसेस की। जो पर्सनालिटी बायसेस होते हैं वो अप्रेजर के ऑब्जर्वेशन करने के तरीके, उसका जजमेंट का तरीका और उसकी जिस तरीके से उसके माइंड में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है उस पर डिपेंड करते हैं ये बायसेस। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली इसी पार्ट से बनते हैं। इन पर्सनालिटी बायसेस के क्या टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है लीनियंसी एंड सीवियरिटी यानी कि स्ट्रिक्टनेस इफेक्ट। लीनियंसी इफेक्ट वो होता है जब कोई अप्रेजल एक लिमिट से ज़्यादा लीनियंट होकर रेटिंग करता है, यानी कि एक एम्प्लॉय जिस रेटिंग को डिजर्व करता है अप्रेजर की टेंडेंसी उसको हायर रैंकिंग प्रोवाइड करने की होती है। जबकि सीवियरिटी या फिर स्ट्रिक्टनेस जो बायसनेस होती है उसमें जो अप्रेजर होता है उसकी टेंडेंसी एम्प्लॉय जो रेटिंग डिजर्व कर रहा है एक्चुअल में जो उसकी रेटिंग होनी चाहिए उससे लो रेटिंग देने की टेंडेंसी होती है स्ट्रिक्टनेस इफेक्ट में। सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब अप्रेजर की उस टेंडेंसी से है जिसमें वो ना तो लीनियंट होता है ना ही स्ट्रिक्ट होता है, बल्कि उसका मानना होता है कि ना तो कोई एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट है जिसको कि हाईएस्ट रैंकिंग दी जाए और ना ही इतना इनएफिशिएंट होता है कि उसको लोएस्ट रैंकिंग दी जाए। तो इस वजह से वो सभी एम्प्लॉयज़ को एक एवरेज रैंकिंग प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही होती है उनको भी एवरेज रैंकिंग मिल जाती है, और जो एम्प्लॉयज़ जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही होती है उनको भी अपनी एक्चुअल पोजीशन से हायर रैंकिंग मिल जाती है, यानी कि वो लोअर से एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हालो एंड हॉर्न इफेक्ट। हालो एंड हॉर्न इफेक्ट वो कॉग्निटिव बायस है, वो पर्सनालिटी की बायसनेस है जिसमें कि जो अप्रेजर होता है वो किसी एक क्वालिटी या डिसक्वालिटी के बेसिस पर ओवरऑल एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को जज करता है। हालो इफेक्ट रिलेटेड है एम्प्लॉय की उस पॉजिटिव ट्रेट से जिसके बेसिस पर एक अप्रेजर उसको ओवरऑल पॉजिटिव और हायर रैंकिंग प्रोवाइड करता है। हॉर्न इफेक्ट बेस्ड है उस नेगेटिव ट्रेट पर जिसके बेसिस पर एक अप्रेजर ओवरऑल उस एम्प्लॉय को नेगेटिव या फिर लोअर रैंकिंग प्रोवाइड कर देता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं।
एक टीचर स्टूडेंट्स की एग्जाम शीट्स को इवेल्युएट करते वक्त किसी एक क्वेश्चन से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है कि ओवरऑल वो सभी क्वेश्चंस में हाई मार्क्स प्रोवाइड कर देता है, तो उसको हालो इफेक्ट कहेंगे। जबकि यदि किसी एक क्वेश्चन की बैड परफॉर्मेंस की वजह से वो इतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड होता है, इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर कि वो क्वेश्चन के आंसर को इंडिविजुअली असेस करने की बजाय वो मात्र एक निगेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो ओवरऑल सभी क्वेश्चंस में उसको नेगेटिव मार्किंग देता है या बिलो रैंक प्रोवाइड करता है, दैट इज हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट है प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट से मतलब उस पर्सनालिटी बायसेस से है जिसमें एक अप्रेजर एम्प्लॉय के द्वारा परफॉर्म की गई डिफरेंट टास्क में से जो सबसे पहले की गई टास्क के आधार पर ही उसका जजमेंट करता है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस का जजमेंट कर लेता है। रिसेंसी इफेक्ट उस इफेक्ट को कहते हैं जिसमें अप्रेजर एम्प्लॉय के द्वारा जो टास्क परफॉर्म की गई हैं उसमें सबसे लास्ट में जो टास्क परफॉर्म की गई है उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजमेंट कर लेता है। सो प्राइमेसी इफेक्ट जो होता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन के आधार पर ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजमेंट करना कहलाता है, और रिसेंसी इफेक्ट में रीसेंट परफॉर्मेंस यानी कि जो लास्ट में परफॉर्म की गई टास्क है उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजमेंट करना, रेटिंग देना, रीसेंसी इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट अप्रेजल की पर्सनालिटी का वो बायस है, वो कॉग्निटिव बायसेस हैं जिसमें कि एक अप्रेजर एम्प्लॉय को अन्य एम्प्लॉयज से कंपेयर करते हुए उसको रैंक प्रोवाइड करता है। अगर वो पाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अन्य एम्प्लॉयज की तुलना में थोड़ा बेहतर है तो वो उसको हायर रैंकिंग दे देता है। ऐसे केस में अप्रेजल एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज ना करते हुए उसको अन्य एम्प्लॉय से जज करते हुए उसको हायर रैंकिंग प्रोवाइड कर देता है जो कि वो डिजर्व नहीं करता। जबकि यदि वो पाता है कि वो अन्य एम्प्लॉयज की तुलना में उसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी वीक रही है तो वो उसको एक्चुअल रेटिंग के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा बिलो रैंकिंग प्रोवाइड कर देता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को भी हम टीचर और स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक टीचर 20 स्टूडेंट्स की क्लास में आंसर शीट चेक करते वक्त पाता है कि मोर देन 15 स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जबकि दो या तीन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। ऐसे केस में वो उन दो या तीन स्टूडेंट्स को जो एक्चुअल उनको मार्क्स देने चाहिए उससे भी कम मार्क्स प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जबकि यदि वो पाता है कि सभी स्टूडेंट्स ने ख़राब परफॉर्म किया है जबकि किन्हीं एक या दो स्टूडेंट्स ने अच्छा वर्क किया है, ऐसे केस में वो उनकी एक्चुअल रेटिंग की बजाय उनको उससे भी ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करता है। ऐसे केस को कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं जिसमें अप्रेजल एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज ना करके पर्सन टू पर्सन कंपेयर करके रेटिंग करता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन एरर अप्रेजर की वो टेंडेंसी है जिसमें वो एम्प्लॉय की फेल्योर के लिए तो एम्प्लॉय को ही जिम्मेवार मानता है जबकि उसकी सक्सेस की वजह वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को मानता है, और इस वजह से वो दोनों ही केस में एम्प्लॉय को लो रैंकिंग देता है। एट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है किसी को जिम्मेवार ठहराना, किसी के ऊपर आरोपण करना। सो ये एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें अप्रेजर रेशनल रूप से एट्रीब्यूशन नहीं करता जिस वजह से रेटिंग में एरर आता है। स्पिल ओवर इफेक्ट अप्रेजर की वो पर्सनालिटी बायसेस है, वो कॉग्निटिव बायस है जिसमें कि अप्रेजर एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस को जज ना करते हुए उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी यानी कि जो लास्ट अप्रेजल था उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उसको इस अप्रेजल के वक्त भी सेम रेटिंग या उसी तरीके की रेटिंग प्रोवाइड करने की जो टेंडेंसी होती है अप्रेजल की, दैट इज़ स्पिल ओवर इफेक्ट, जिसमें कि वो करेंट परफॉर्मेंस को जज या इवेल्युएट नहीं करता है और पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही रेटिंग देता है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी बायस है, नेक्स्ट जो कॉग्निटिव बायस है, दैट इज स्टेटस इफेक्ट। स्टेटस इफेक्ट में जो अप्रेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ की रैंक के अकॉर्डिंग उनको हायर और लोअर रैंकिंग प्रोवाइड करता है। लाइक यदि वो देखता है कि एम्प्लॉय हायर रैंकिंग का है तो उसको हायर रेटिंग दे दी जाती है जबकि लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को लोअर रेटिंग देने की जो टेंडेंसी होती है उसको स्टेटस इफेक्ट बायसेस कहते हैं। नेक्स्ट है सिमिलर टू मी इफेक्ट। सिमिलर टू मी इफेक्ट अप्रेजर की रेटर की वो पर्सनैलिटी बायस है जिसमें कि वो
उन इंडिविजुअल्स को, उन एम्प्लॉयज़ को हायर रेटिंग देने की टेंडेंसी रखता है जिनके इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज, माइंडसेट, उनका बिहेवियर रेटर से मिलता जुलता होता है। जबकि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे एम्प्लॉयज जिनका माइंडसेट, जिनका बिहेवियर, जिनकी पर्सनालिटी रेटर से मिलती जुलती नहीं होती है, उनके उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को वो रेटर लो रैंकिंग, लो रेटिंग प्रोवाइड करने की टेंडेंसी रखता है। सो दैट इज़ सिमिलर टू मी इफ़ेक्ट। एंड नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग अप्रेजर की वो पर्सनालिटी बायस है जिसमें कि वो पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल की, उस एम्प्लॉय की क्वालिटीज़ और परफॉर्मेंस को जज ना करते हुए उसको जनरल टर्म में जज करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि एक अप्रेजर मात्र इस बेसिस पर पुराने एम्प्लॉयज़ को हाई रैंकिंग देता है कि उसका मानना है कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, न्यू वर्कर्स हैं, वो उतने कमिटेड नहीं होते, तो ये स्टीरियोटाइपिंग का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें उसने एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं किया और उसको मात्र इस वजह से हायर रेटिंग दे दी क्योंकि वो एक ओल्ड एम्प्लॉय है, एक पुराना एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का। सो जो रेटिंग एरर्स अप्रेजल की पर्सनालिटी बायसेस या अप्रेजल के कॉग्निटिव बायसेस की वजह से उत्पन्न होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं उन एरर्स की जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं या जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वजह से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले है मिसलीडिंग स्टैंडर्ड्स। यदि परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिनके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस को मेजर करना है, कंपेयर करना है, यदि वो स्टैंडर्ड ही मिसलीडिंग होंगे, यदि स्टैंडर्ड्स ही एवरेज से हायर सेट कर दिए जाएं या फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड्स से बिलो सेट कर दिए जाएं, तो ऐसे में परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस में एरर्स क्रिएट होना तय है। नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट फॉर्म्स। वो फॉर्म्स जिनके थ्रू अप्रेजर एम्प्लॉयज़ की ट्रेट्स, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, परफॉर्मेंस के डायमेंशन आदि को मेज़र करता है, नोट करता है, यदि उन फॉर्म्स को एक्यूरेटली, इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, ऐसे केस में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस में एरर आना निश्चित हो जाता है। इनएप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। यदि जो टेक्निक्स यूज की जा रही हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, यदि वो टेक्निक्स ही इफेक्टिव नहीं है या टेक्निक्स के प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में परफॉर्मेंस अप्रेजल में एरर आएंगे। नेक्स्ट है अप्रेजर इनएफिशिएंसी। यदि अप्रेजल करने वाला अप्रेजर यानी कि जो रेटर है वही इनएफिशिएंट है, यानी कि उसमें प्रॉपर क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन नहीं है अप्रेजल करने के लिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अप्रेजल का, इस केस में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस में एरर आना तय होता है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर्स। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।